नमस्कार मित्रों, मैं अभी लूनी नदी के किनारे बालोतरा में खड़ा हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये मरु गंगा बह रही है, लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। 20 सालों के बाद में 3 साल से ये नदी लगातार आ रही है। मैं 2-3 दिन से इस नदी को देख रहा हूँ और यहाँ पर किनारे पे आके एक बात को सोच रहा हूँ जो पिछले 15 सालों से मेरे दिमाग में नियमित रूप से चल रही है कि नदी का पानी आकर और बह के समुद्र में चला जाता है और इसके किनारों पर रहने वाले लोग इस पानी के लिए तरसते हैं। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो नियमित काम है, सड़क इत्यादि के जो काम है उनके ऊपर तो विशेष रूप से मूलभूत जो काम है उनके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि रचनात्मक कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मुझे लगता है कि यदि इस नदी पर 2-3 टुकड़ों में कहीं छोटे छोटे एनीकट बनाए जाए तो शायद आने वाले समय में आसपास के इलाकों में बहुत खुशहाली आएगी। नदी का पानी बह के व्यर्थ चला जाता है और इस व्यर्थ पानी को रोकने का कोई भी प्रबंधन शायद आज तक के किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में न तो सोचा होगा। मेरा ये निजी विचार हर समय रहता है कि इस प्रकार में जो नदी में पानी आकर चला जाता है और वो जनता के किसी भी काम नहीं आता। 15-20 साल में भी एक बार नदी आए, यदि 10 साल में भी एक बार नदी आए और उसके पानी को रोक दिया जाए। लूनी नदी बहुत लंबी है और गोविंदगढ़ से प्रारंभ होकर ठेठ कच्छ की खाड़ी तक ये गिरती है। इसमें कहीं पर बहुत चौड़ी है, कहीं पतली है, कहीं गहरी है। सिंहद्री के आसपास ये नदी बहुत संकड़ी और बहुत गहरी है। 3-4 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट बना के प्रमुख लोगों तक पहुँचाई थी कि यदि कोई छोटा बांध या फिर छोटा एनीकेट जिस प्रकार की सुविधा हो यदि इस नदी के बीच में कहीं बनाया जाए और 3-4 साल में एक बार भी ये नदी आए और उसका पानी जब अंतिम में कम गति उसकी हो जाए, जब पानी चल के लास्ट में 1-2 फीट रह जाए और उस नदी को यदि रोक दिया जाए उस पानी को और 3-4 फीट तक इस नदी को लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर यदि भरा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पानी जमीन में रिस्क है आसपास के 50-60 किलोमीटर के बहुत लंबे चौड़े दायरे को सिंचित कर सकता है। ये पानी धरती में उतरकर किसानों के लिए खुशहाली ला सकता है। मैं स्थानीय विधायक जी और हमारे यहाँ के मंत्री जी अमराराम जी के चौधरी जी के ध्यान में ये बात निश्चित रूप से दिलवाना चाहता हूँ कि आप विधानसभा में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव को दें। सरकार करोड़ों रुपये ऐसी योजनाओं पर खर्च करती है जिन योजनाओं को कई बार कोई अर्थ नहीं निकलता, योजनाएं फेल हो जाती। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकार की ऐसी कई योजनाएं मैंने देखी है जिसपे करोड़ों रुपए लगे और सारी योजनाएं फेल हुई। मैं तो ये कहता हूं कि फेल समझकर भी ये सफल नहीं होगी, ऐसा समझकर भी यदि सरकार इस प्रकार के कार्य में कदम बढ़ाए तो आने वाले समय में ये जनता उस जनप्रतिनिधि के भी गुण गाएगी और सरकार के भी गुण गाएगी। विशेष ऐसे भूवैज्ञानिकों की सलाह पर, इंजीनियर्स लोगों की सलाह पर कि इसका क्या हो सकता है आने वाले समय में, ये एनीकट किस प्रकार से बनकर तैयार हो सकते हैं। छोटा बांध भी बन सकता है जिसके जरूरत पड़ने पर उसके गेट खुल जाए, अन्यथा जब जल स्तर ज़्यादा हो तो वो बह के चला जाए, लेकिन अंतिम में जब 2-3 फीट पानी रहे तो उस पानी को रोकने की समुचित व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाए। और यदि ग्रीनरी हुई तो बारिश का जो रिसाइकलिंग का जो दौर है, क्योंकि जहाँ पर ग्रीनरी होती है वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। और ये मेरा निजी विचार भी हो सकता है, मुझे लगता है कि कई लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात को यदि उचित मापदंड पर वैज्ञानिक लोगों के साथ में बैठकर, इंजीनियर्स लोगों के साथ में बैठकर इसकी चर्चा की जाए तो शायद ये आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक कदम होगा। मैं यहाँ के विधायक श्री अमराराम जी चौधरी जी से एक बार फिर इस प्रकार की मांग करता हूं अपनी ओर से कि इस प्रकार का प्रस्ताव आप एक बार विधानसभा में रखें। सड़कें बनाना, नालियां बनाना, खालियां बनाना, ये सारे काम तो मूलभूत कोई भी विधायक करवाता है और आप भी करवाते होंगे, दुनिया में और भी करवाते होंगे। बायतू के विधायक श्री कैलाश चौधरी जी को मैंने पिछले साल इस बात के लिए कहा था, मैंने कहा कैलाश जी आप विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दें और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो, इसका पूरा मुआयना हो और
मेरे मन में ये बात हर बार जब नदी आती है तो ये मेरे मन में ये प्रश्न, जब तक पानी चलता है, मैं जब भी इस नदी को देखता हूँ, इस पानी को देखता हूँ, तो मेरे मन में ये रात दिन ही विचार आता है कि शायद आज तक या तो किसी ने सोचा नहीं, और सोचा हो तो किसी ने कदम नहीं उठाया। मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा, क्योंकि इस प्रकार के सकारात्मक काम राजनीतिक पदों पर जुड़े हुए लोगों के दिमाग में आते नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक खींचतान में लगे रहते हैं। अभी जैसे बालोतरा की स्थिति है, तो लगभग पिछले 3 वर्षों से बालोतरा राजनीतिक खींचतान में ही लगा हुआ है, और कई लोग तो ये भूल भी गए कि हमारे विधायक भी हैं। मुझे लगता है कि कई लोग तो मुझे कहते हैं कि वहां पर पोस्टर लगवाना पड़ेगा कि बालोतरा के विधायक कहीं खो गए हैं। तो विधायक बनने के बाद में लोगों के बीच में रहे, ऐसे विधायक की आवश्यकता है हमारे को। मेरी अमराराम जी से कोई शिकायत नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अमराराम जी जिस पद को रखते हैं, जैसी वरिष्ठता विधानसभा में ये रखते हैं, और मैंने जिस बात को अभी निवेदन किया, इस बात को बहुत समुचित ढंग से यदि विधानसभा में पहुंचाया जाए, तो शायद आने वाले समय में जो ये मेरा सपना है, और ये मेरा सपना जो है वो यहाँ से लगाकर गुड़ामालानी तक के, और उधर पाली से लगाकर बालोतरा तक के हजारों गांवों के लोगों का सपना है, इस मरुगंगा को रोककर एक बार समृद्धि की ओर इस राजस्थान को ले जाने का ये मेरा विचार था। यदि कहीं त्रुटि रही हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में जो विचार उठे मैंने आप लोगों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम।